नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2023 को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दोस्तों, भारत को 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे आज़ादी मिली थी और इसके पीछे ज्योतिषीय कारण भी थे। ज्योतिषीय जानकारों का मानना था कि 15 अगस्त का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से भारत के लिए बहुत शुभ नहीं था, इसलिए 14 अगस्त की रात ठीक 12 बजे भारत को आज़ादी मिली थी, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त का दिन था, जबकि वैदिक पंचांग के अनुसार 14 अगस्त, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगला दिन सूर्योदय से माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिषीय दृष्टि से भारत के लिए झंडे के रंगों का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसरिया रंग शक्ति को प्रदर्शित करता है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो केसरिया रंग ग्रहों के राजा सूर्य का रंग है। सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास और तेज का कारक भी माना जाता है, इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से केसरिया रंग हमको आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। केसरिया रंग उगते हुए सूरज का रंग भी होता है, जो पृथ्वी के कण कण में नई ऊर्जा भरता है। इसके साथ ही सूर्य के इस रंग से संबंधित होने के कारण लोकतंत्र को भी मजबूती मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा चलता है और ज्योतिष में सरकार के कार्य और सरकार का नेतृत्व भी केसरिया रंग ही करता है। यही वजह है कि भारत की जनता में राष्ट्र के प्रति अटूट भक्ति और बलिदान का जज्बा नस नस में बढ़ता है। दोस्तों, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को सफेद रंग का प्रतिनिधि माना जाता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह से भी इस रंग का संबंध माना गया है। चंद्रमा मन, माता, ममता, सौम्यता आदि का कारक ग्रह है। वहीं शुक्र सौंदर्य, भौतिकता, कला आदि के कारक ग्रह हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार भारत के तिरंगे में सफेद रंग हमें शांति का संदेश तो देता ही है, साथ ही यह हमें अपने प्रेम की भावनाओं को अच्छी तरह से लोगों के प्रति दिखाने का भी जज्बा देता है। तिरंगे का सफेद रंग हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने और कलात्मक क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का भी संदेश देता है। तिरंगे में मौजूद हरा रंग संपन्नता और हरियाली का प्रतीक है। वहीं वैदिक ज्योतिष में इस रंग को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। बुध ज्योतिष में तकनीक, तार्किक क्षमता, कारोबार आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो एक सफल राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार हरा रंग हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के अलावा अपने कौशल और बुद्धि से राष्ट्र को मजबूत करने का संदेश भी देता है। देश के तिरंगे के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। वैदिक ज्योतिष में नीले रंग को शनि से संबंधित माना जाता है और वैदिक ज्योतिष में शनि न्याय के देवता माने गए हैं। शनि जनता का भी कारक ग्रह है। यह रंग संदेश देता है कि राष्ट्र का आधार जनता है और जनता के सहयोग और समर्थन से राष्ट्र का चक्र हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, ये ज्योतिषीय मतलब था तिरंगे झंडे का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये स्वतंत्रता दिवस काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने घर परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी भी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Live। नमस्कार।